स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं खबरों की तरफ। जयपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि जनवरी से जयपुर वासियों को रिंग रोड पर चलने का सुख प्राप्त हो जाएगा। इसके साथ ही गडकरी ने दिल्ली मुंबई के बीच 12 लाइन का हाईवे बनाने की भी बात कही और कहा कि इसके बनने के बाद जयपुर से मुंबई के बीच दूरी बेहद कम हो जाएगी। कि बैकवर्ड एंड ट्राइबल एरिया ऑफ राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र, ये पूरे ट्राइबल एरिया है पूरा, तो इसकी जो लैंड एक्विजिशन कॉस्ट थी वो 7 करोड़ पर किलोमीटर आती थी अगर हम दिल्ली, अहमदाबाद, सूरत, मुंबई जाते तो, पर इसकी कॉस्ट है ये 80 लाख रुपए पर किलोमीटर। यानी ये समझ लीजिए कि हमने इस हाईवे में 16,000 करोड़ लैंड एक्विजिशन पर बचाए। ये सीमेंट कॉन्क्रीट रोड होगा और इसके कारण ये ग्रोथ इंजिन बनेगा। जैसे दिल्ली के नज़दीक हाईवे बने तो गुड़गांव बना, अब ऐसे 100 गुड़गांव बनेंगे और बैकवर्ड एरिया में बनेंगे। लॉजिस्टिक पार्क आएगी, इंडस्ट्री आएंगी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के सेंटर्स आएंगे, नई सिटियाँ डेवलप होगी, स्मार्ट सिटियाँ डेवलप होगी, स्मार्ट विलेजेस होंगे। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो राजस्थान से जाता है तो मुझे लगता है राजस्थान के विकास के लिए एक नया ग्रोथ इंजिन ये हाईवे होगा। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 44,000 करोड़ रुपए के वडोदरा मुंबई के काम अवार्ड हो चुके हैं। नेक्स्ट महीने में हम लोग गुड़गांव से जयपुर तक के टेंडर निकालकर शायद हम लोग काम अवार्ड कर देंगे।